नमस्कार, दैनिक खबर की लाइव प्रस्तुति के साथ जुड़ गए हैं आप। आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक गाड़ी दिखाई दे रहा होगा, हेलीकॉप्टर नुमा गाड़ी है और ये कुछ खास अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दूं, कुछ दिन पूर्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया था जो सनातन धर्म के खिलाफ था। उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि जैसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए, उसी तरह सनातन धर्म का भी विरोध नहीं करना चाहिए, सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बयान हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को पसंद नहीं आया था और यह आज का जो ये भीड़ आपको दिख रहा है, कुछ अलग अंदाज में उसी का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दूँ, हजारीबाग के सनातन प्रेमी हिंदू प्रचारक अमन, जो अलग अलग अंदाज में विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, हजारीबाग में आज वो इस उदयनिधि स्टालिन के उसी बयान का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने आज एक हेलीकॉप्टर नुमा गाड़ी लेकर यहाँ पहुँचे हैं, जिसके माध्यम से वो अपना संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आपको वो दिख रहे होंगे, हेलीकॉप्टर लेकर वो पहुँचे हुए हैं। मैं चाहूँगा आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ ये आज करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। दिख रहा होगा गाड़ी से स्टालिन का मुखौटा, उदयनिधि स्टालिन का मुखौटा लगाए एक आदमी बाहर आया है। शायद इनका विरोध का तरीका यही है कि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन आ गए हैं, जो आप देखिए ये बहुत बढ़िया बात कही थे, ये कहे थे, मैं बतला देता हूँ, ये वही बात कही, क्या कैसे, ठीक है, बढ़िया है मंत्री के आप सुपुत्र हैं, आप हेलीकॉप्टर से हजारीबाग आए हैं, आपने कहा था जिस पर कुछ चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। जिस प्रकार से कोरोना जैसे वैश्विक महामारी हो या मलेरिया हो या डेंगू हो, इसका विरोध मत कीजिए, खत्म कर दीजिए। आपने यह भी कहा कि सनातन धर्म का विरोध नहीं, उसे भी खत्म कर देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो आपका स्वागत है, आपको दिख रही होगी विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ उमड़ी है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि सत्य सनातन धर्म हो धर्म है, जिसे तुम्हारे बाप दादा, कुछ और भी लोग दिख रहे होंगे जिन्होंने हाथ में हथकड़ी ले रखी है, शायद आगे में औकात नहीं कि तुम हमारे सनातन धर्म को मिटा पाओगे। तुमने मंदिरों को तोड़ा, मंदिर तोड़ दिए, लेकिन हमने सूर्य का पूजा किया, है हिम्मत तो सूर्य को बुझा दो, अगर है हिम्मत तो हम जल की पूजा करते हैं, तुम जल को सुखा दो, तुम्हें है हिम्मत तो हम पर्वतों की पूजा करते हैं, उस पर्वतों को तुम सुखा दो, तुम्हें है हिम्मत तो हम अग्नि की पूजा करते हैं, तुम उस अग्नि को तुम मिटा दो, तुम में हिम्मत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ वोट की राजनीति कर सकते हो। तुम्हारे पिताजी मनीष कश्यप जो है बिहार के मनीष कश्यप, उस पर एनएसए लगाए, एनएसए इसलिए लगा दिए क्योंकि उसने सच्चाई दिखाई, विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है। क्या दिखलाया तुमने, सनातन धर्म का अपमान किया, इस विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ बहुत ही कैमरा में जरा फोकस कीजिएगा, आगे भैया, दिख रहा होगा अब विरोध के तहत इन्हें हथकड़ी लगाकर रोड पे घुमाया जा रहा है। कुछ अलग तरीके का विरोध जो हमेशा से हजारीबाग में इंजीनियर अमन के द्वारा किया जाता है। मजाक नहीं बना सकते हो, तुम्हारी संस्कृति पैंट शर्ट नहीं पहनना, तुम्हारी संस्कृति ये है, बिल्कुल बोलो, तमिल जय 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 जय
धर्म का। एक मिनट एक मिनट, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यदि तुम सनातन धर्म का अपमान करोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में, तुम्हारे पिछवाड़े में इसी प्रकार से बांस करके चौक पर खड़ा कर देंगे। तो तुम्हारे पिछवाड़े में इसी प्रकार से बांस करके खड़ा कर देंगे। देखो इसके पिछवाड़े में किस प्रकार से बांस किया जा रहा है। उदय निधि स्टाइलिंग के बयान के बाद आया हजारीबाग में ये विरोध प्रदर्शन है, जो सनातन प्रेमी हिंदू प्रचारक अमन के द्वारा किया जा रहा है। आपके सामने उदय निधि स्टाइलिंग का मुखौटा पहने एक स्टैचू भी दिख रहा होगा, एक व्यक्ति भी दिख रहा है। तुम सिर्फ वोट की राजनीति करते हो, तुम्हें सिर्फ वोट चाहिए होता है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, देख लो किस प्रकार से अजय भैया ने वो गिरफ्तार कर लिया है हजारीबाग में। स्वागत किया गया है, ऐसा ही होगा। भैया मैं चाहूंगा वो चार शब्द इसके बारे में बताइए, क्या ये क्या कुछ खास किया लोगों को बताइए। बोलिए सनातन विरोधी होश में आओ, 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 होश में आओ, होश में आओ। आपको ये हजारीबाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन को मैं दिखा रहा हूँ, जो उदय निधि स्टालिन के बयान के बाद तुम्हारे पिताजी ऐसा लगा दिए, तुम पे क्या लगेगा रे, तुम पे आपको नहीं लगेगा। चलो चलो आओ, आपको बता दूं उदय निधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया था कि जिस डेंगू मलेरिया का विरोध नहीं, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया और कोरोना जैसे बीमारी से की थी, तथा जैसे बीमारियों को खत्म कर देना चाहिए वैसे ही सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए था, ऐसा बयान उन्होंने दिया था। पास करके चौक में खड़ा कर दिए हैं, यहाँ पास करके चौक में खड़ा कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद भी मंत्री हैं, और ये बोलते हैं सनातन को खत्म करेंगे। देख लीजिए इसके पिछवाड़े में इस प्रकार से पास करके हम लोगों ने चौक में खड़ा कर दिया। चल इधर चल, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जितने लोग
हो, और ये जो कमेंट में तुम लोग चौचले बाजी कर रहे हो और ज्ञान दे रहे हो ना कमेंट में, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम छाती पे आके कमेंट करोगे, छाती पे आकर के अनमोल वचन बोलोगे। तुम सिर्फ और सिर्फ कमेंट में चौचलेबाजी कर सकते हो। जो कमेंट में और बंद कमरे में चौचलेबाजी करता है उसको हम लोग इसी प्रकार से बात करके खड़ा कर देते हैं, और इसी प्रकार से देखो ऐसे इसको ले जाते हैं। विरोध का तरीका शैलिन बने हुए व्यक्ति को उठाकर करवाया जा रहा है। एक चीज और बता देते हैं, जरा सा मैं बता दूं आप लोगों को, जो भी सनातन का विरोध करेगा, जो सनातन का विरोध करेगा, ये कमेंट में देखते होंगे बहुत हलबल लिखता करके, बहुत हलबल लिखता है। हाल में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था डुमरी में, वहां जाके हम बोले थे है कोई माई का लाल अपना माई का दूध पिया है तो अमन कुमार डुमरी की धरती में खड़ा है। अब मेरे सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के देखो, तुम्हारे हलक से प्राण सलाबी यही कहीं हम खींच लेंगे। उसी प्रकार से मैं आज बताना चाहता हूँ, स्टालिन के पुत्र जी आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं ना, यदि आइंदा ऐसा काम कीजिएगा और जो भी ऐसा काम करेगा जिसको आप बढ़ावा दे रहे हैं उसके घर पीछे पास करके देखिए, उसके पिछवाड़े में ऐसे पास करके और ऐसे खड़ा कर देंगे। क्या करेंगे? कर देंगे। कहाँ पास करेंगे? गांव में, पिछवाड़े में। पिछवाड़े में जो आप बात बोल रहे हैं ना वही बात है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो तरीके से हम बोल रहे हैं। इसके देखिए पिछवाड़े, देखिए भकुंदर बना दिए इसके पिछवाड़े का, इसके पिछवाड़े का भकुंदर बना दिए है, और इसे ऐसे करके ऐसा करते। लाइन लगा लीजिए। सबको मौका दिया जाएगा, बारी बारी से सबको मौका दिया जाएगा। धीरे धीरे आराम से लाइन लगा करके। अरे कुछ पैसा मिलेगा क्या?
दिखा रहा है अगल बगल। अगर कैमरा नहीं होता ना तो याद रखिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा राष्ट्र है, हमारा सनातन धर्म है, इससे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कोई चीज हमारे लिए नहीं है। राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा प्राण, एक साथ बोलिए राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा प्राण। और इसी ब्रांड का हम लोग सेवा करेंगे। आप पढ़ लिख करके बड़े अफसर बनिए, लेकिन इतना मत पढ़ लीजिए कि इसके भांति इस तरह का टिप्पणी कीजिए। यही आप लोग से अपेक्षा है। आप सभी सनातनियों को एकजुट करने के लिए आए हैं, यह बतलाने आए हैं, यह प्रयास करने आए हैं कि साइंस के साथ सनातन भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने धर्म की रक्षा करते हुए पढ़ाई कीजिए, इंजीनियर्स डॉक्टर आईएएस आईपीएस बनिए और देश हित और राष्ट्र के लिए काम करिए और अपने सनातन को मजबूत कीजिए। इसको व्यवस्था कीजिए, आई ना जबिया किसको बुलाइए यहाँ पर साले को। जरा सा बोल लेने दीजिए, जरा बोल लेने दीजिए जी, क्या तो संदेश देने की कोशिश है। ये एक सनातनियों को एकजुट करने का मेरा प्रयास निरंतर होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। आप देखिए किस प्रकार से सुनियोजित तरीका से इनके द्वारा, कोई इनका लफ्ज नहीं फिसला है, इनके पास पहले से चिट्ठी लिखी हुई थी, भाषण की चिट्ठियां लिखी हुई थी, उस भाषण की चिट्ठी को पढ़ते हैं और ये बतलाते हैं, अपने तमिल भाषा में बोलते हैं कि कुछ चीज़ों का विरोध नहीं, उसे खत्म कर देना चाहिए। जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो, जैसे डेंगू हो, मलेरिया हो, ठीक उसी प्रकार सनातन का विरोध नहीं, उसे मिटा देना चाहिए। अब बात कीजिए, ये सनातन बहुल हमारा देश हिंदुस्तान, हमारा भारत है, मतलब कि ये पूरे भारत को ख़त्म करने की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग करीब 90 करोड़ की संख्या में हैं, उस जनसंख्या को पूरे ख़त्म करने की ये बात करते हैं और ये इजीली हमारे सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। आप सोचिए ना, क्या इनकी इतनी हिम्मत है या किसी मजहब को ये टारगेट करे। किसी मजहब को एक बार ये टारगेट करके देख ले, फतवा जारी हो जाएगा, सिर्फ भारत देश से नहीं विदेशों से फतवा जारी हो जाएगा और अरबों में फंड आएगा कि सर को कलम कर दिया जाए। लेकिन हम सभी सनातनी इसी संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करके सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इनके ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। इन्होंने एक हेट स्पीच दिया है, हेट स्पीच के अंतर्गत इन पर मामला चलना चाहिए। साथ ही साथ सनातन को खत्म करने का, यानी पूरे भारत को खत्म करने की बात कही है, इस चलते इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इन पर NSA जैसी धाराएं लगनी चाहिए और इन्हें कारागार में डाल देना चाहिए। ऐसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हो सकते, जननेता नहीं हो सकते हैं। और मैं तमिलनाडु के तमाम जनता से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप वहां पे सनातनियों की संख्या बहुत है, वहां महर्षि अगस्त जो ऋषि है, कहा जाता है शिव ने उन्हें संस्कृत सिखाया और तमिल का जो भाषा का जो प्रॉब्लम था, मतलब कि कहने का मतलब है कि उत्तरी और दक्षिणी भारत को जोड़ने का काम महर्षि अगस्त ने किया था, लेकिन ये उनको भी धूमिल करने की बात करते क्योंकि भी एक सनातनी थे। आप सोच लीजिए, कहा जाता है कि साउथ इंडिया का जो ये सनातन धर्म है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पुराना है, वहाँ से अगर ऐसी बातें आएँ ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही लज्जापूर्ण बात है। इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी सनातनियों तक पहुँचाएँ कि एक ऐसे अधर्मी ने ऐसा बात को कहा है, आगे कोई अधर्मी ऐसा बात नहीं करे। इसलिए सभी को एक एक चिट्ठियां लिखे, एक एक ट्वीट करे। हैशटैग जो चल रहा है, क्या हैशटैग चल रहा है कि उदय निधि को गिरफ्तार करो, हैशटैग उदय निधि को गिरफ्तार करो, ये हैशटैग चलाए और सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर बनाए, वहां के निजी थानों में प्रेशर बनाए, जहां से वहां थाने से FIR करे। हम लोग भी प्रयास करेंगे अजय भैया कि कल इस पर जाकर के एक FIR करें, FIR हजारीबाग से भी एक FIR इस पर होनी चाहिए क्योंकि ऐसा कुकृत कोई दूसरा कोई नहीं करे। भैया कुछ बोलिएगा, हम इतना ही कहना चाहेंगे। हजारीबाग में क्या कुछ गतिविधि देखी जा रही है? हजारीबाग में जो भी गतिविधि देख रहे हैं वो सनातन धर्म पे कुठाराघात किया गया है। ऐसे दो कौड़े के नेता लोग जो है सनातन को खत्म करने का बात कर रहे हैं। सनातन तो आदि से है, अनंत है,
इसको आज तक ना कोई ख़त्म कर पाया ना कर पाएगा, जो ख़त्म करना चाहेगा वो खुद धूमिल हो जाएगा। और दूसरी बात, भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत में भी इस निंदा कानून लागू होना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे दो कौड़ी के लोग जो सनातन धर्म पाइए, इसी पर नहीं, कोई भी मजहब का लोग, कोई भी धर्म का लोग एक दूसरे धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, न उस पर कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी आदमी अपने स्वेच्छा से दूसरे धर्म, अपना धर्म को भी नहीं छोड़ सकता है। ये है, इतना कड़ा है इस निंदा कानून। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत में भी और भी 18 देशों की तरह यहाँ भी इस निंदा कानून लागू करना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ? मैं सर्वप्रथम अपने सनातनियों को मैं तो यह कहना चाहता हूँ, ढीली मत कर धनुष की डोरी, तरकस का कस मत खोलो। ढीली मत कर धनुष की डोरी, तरकस का कस मत खोलो। हे सनातनी, भीषण युद्ध यान पड़ा है, अब शांति से मत बोलो, अब शांति से मत बोलो। सही बात है। अभी यह जो देख रहे हैं, मैं तो दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आपका पूर्वज भूखे कारण होने के चलते तुम स्टालिन बना है, धर्म परिवर्तन किया है। तुम भी सनातनी था, तेरा पूर्वज सनातनी है, लेकिन भूखे पेट के चलते तुम आज धर्म परिवर्तन किया है और सनातन धर्म पर तुमने आंख दिखाने कोशिश किया है। ए सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा, सनातनी शांत है और हमेशा शांत रहना चाहता है, कट्टर नहीं संकल्पित है। हमारे धर्म सनातन में संकल्प चलता है, कट्टरता नहीं चलता है। आपने जो कट्टरता की बात करी है और सत्ता के चलते आप लोगों को खून खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको तो मैं आपके चैनल से मांग करता हूँ, NSA ऐसे लोगों पर लगना चाहिए। परिचय अजय कुमार सिंह, विरोध प्रदर्शन में पहुँचे हैं यहाँ। देखिए, ये मेरा, मैं दो शब्दों में ही बात को रखना चाहूँगा। हमारे सनातन धर्म को अगर कोई भी ठेस पहुँचाने का काम करेगा हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, ये अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में कुव्वत है, तो आप किसी और धर्म के बारे में एक बार बोल करके देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो मैं सभी युवाओं से ये भी कहना चाहूँगा कि अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति जागरूक रहें, और इस तरह के दो कौड़ी के नेताओं के लिए विरोध प्रदर्शन जो आज हम लोग किए हैं, ये इन पर NSA लगे, इन पर लगाया जाए, NSA आज इन पर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कार को, हमारे संस्कृति पर ये कुठाराघात कर रहे हैं। और बस मैं इन्हीं दो शब्दों में ही अपनी बात को खत्म करूंगा। धन्यवाद। मैं अंत में अपने, मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने तलवार के नोक पर सलवार नहीं पहनी, हमारे पूर्वजों ने किलो दो किलो में अपना धर्म नहीं बदला। हे वीर, तुम जहां से भी इस चैनल को देख रहे हो, हमारी बात को सुन रहे हो, संगठित हो जाओ, इतना शेयर करो, और जो चयचंद लोग कमेंट में आकर के ज्ञान देते हैं, उनको जवाब देने का भी कार्य जरूर करना, बतलाना। हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम सनातनी हैं, हाँ हम हिंदू हैं, हाँ हम हिंदू हैं। तो तुम अपने बाप दादा का नाक मत कटाना। सनातन, तुम आज सनातनी हो, तुम हिंदू हो, तो तुम्हारे बाप दादाओं का देन है, इस देन को बनाए रखना, कि तुम्हारे आने वाले जो बच्चे होंगे, जो तुम्हारा भविष्य होगा, वो भी एक हिंदू घर में, एक सनातन परिवार में जन्म ले, ना कि इस प्रकार से स्टालिन बने, ना जाकर के चादर और फादर चढ़ाए। मैं अंत अपनी इस बात से करना बता, सबको जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सुना आपने यहाँ पे स्टालिन, उदय निधि स्टालिन के उस बयान का विरोध हो रहा था, जिन्होंने जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना, मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी से की थी। अब देखना ये होगा कि ये जो इन्होंने मांग की है इस निंदा कानून की, और उदय निधि स्टालिन पे FIR तथा उन पर कार्रवाई की, वो कब हो पाता है।